This is Himanshu Vaish, and today I have got with me a very renowned personality, a man who does not need any kind of introduction, Mr. Nideesh Tyagi, editor, BBC News Hindi Service. A very warm welcome to you, sir, in our show. So you have been in the media for almost 20 years, two decades itself, and you have done a lot of unexceptional works in this media line. You are also a writer, poet, and a journalist. Let's make our show a little bit, dramatic. Let's move back in 1990s when you started off your career. उस वक्त doctors and journalists ये ऐसा occupation था जिसे लोग ऐसा career देखते थे. At that point of time, you chose media as your full-fledged career. So, what was the basic reason behind choosing media as your career? अखबार में मैंने इसलिए काम करना शुरू किया क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत बड़ा एक बहुत असफल रहा. मैं बहुत असफल व्यक्ति हूँ. शुरू के दिनों को देखूँगा तो मैंने 5 बार फ़ौज में जाने की कोशिश की. मैं एक सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरा 5 बार जो रिटर्न क्वालिफाई हुआ UPSC का और 5 बार मुझे इंटरव्यू में खारिज कर दिया गया. फिर मैंने इंजीनियरिंग का सोचा, वहाँ भी मेरा नहीं हुआ. फिर मैं BSc करने गया, वहाँ पे मैं 1.5 साल फेल हुआ. 1 साल सेकंड ईयर में और फाइनल ईयर मेरी कंपार्टमेंटल थी. और तो वो मेरे लिए बहुत, जिस समय आप अपनी एनर्जी और ऑप्टिमिज्म और दुनिया को जीतने के सपने देख रहे होते हैं, उस समय मैं बहुत ज़्यादा कहीं गर्त में था. मुझे पहले एक लाइब्रेरी ने मुझे शरण दी जहाँ पे मैं छिप सकता था अपने दोस्तों से और परिवार से और लोगों से जो कि हमेशा आपको जज कर रहे होते हैं. और फिर एक अखबार ने मुझे मौका दिया कि मैं आके वहाँ पे कुछ काम कर सकूं. क्योंकि मैंने लाइब्रेरी में काफ़ी सारी किताबें पढ़ी थी तो मुझे वाक्य बनाना आया और मैं बाइलिंगुअल था तो ये एक एडवांटेज था मेरे लिए कि मैं अखबार में तर्जुमे कर सकता था. और मैं एक टिपिकल पोजीशनिंग होती थी उस समय कि आप फ्रंट पेज पे काम कर सकते हैं अगर आपको अंग्रेज़ी आती है तो इस तरह से एक अखबार में मुझे नौकरी मिली जो कि रायपुर में थी, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है अभी. फिर मैं नागपुर गया जहाँ पर एक 6 महीने बाद मुझे एक प्रतिद्वंद्वी अखबार ने तोड़ लिया और मैं वहाँ चला गया. फिर मुझे किसी ने बताया कि एक IIMC है दिल्ली में जहाँ पे जर्नलिज्म का कोर्स होता है. तो मैं IIMC जर्नलिज्म करने के लिए नहीं गया. मैं जर्नलिज्म के करियर से बहुत डरा हुआ था क्योंकि मैं बहुत सारे उम्रदराज लोगों को वही काम सालों साल करते हुए देख रहा था. तो मुझे लगा कि मैं वैसा नहीं होना चाहता हूँ. तो मुझे लगा मैं शायद वहाँ जाके एक सरकारी PRO बन सकता हूँ जो कि एक गजेटेड नौकरी है और वहाँ पर आकर आप शायद आराम से एक सुरक्षित रोज़गार अपने लिए जमा सकते हैं. और पर मैं वहाँ जब मैं गया और वहाँ भी दिल्ली पहुँचना अपने आप में शायद वो एक टर्निंग पॉइंट था. तो वहाँ से फिर वहाँ पर जो सबसे बड़ी बात IIMC से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि वहाँ पर इंडस्ट्री का एक्सपोजर था. 91-92 में सोवियत यूनियन टूट रहा था, मार्केट खुल रहा था, मीडिया TV शुरू हो रहा था. तो वो सब कुछ वो उस इको सिस्टम में वो एक तरह की, जब आपका यूनिवर्स बड़ा हो रहा हो तो उस समय बहुत सारे लोग जो गधे होते हैं वो टट्टू की तरह चल पड़ते हैं और जो टट्टू होते हैं घोड़े की तरह चल पड़ते हैं. तो मैं उन गधे या टट्टू में से कोई एक था जिसने उस मौके का फ़ायदा उठाया और शायद वो इसलिए उस सही समय पर सही जगह पर शायद मैं होने के कारण मुझे उस बात का लाभ मिला. मुझे लगता है कि बहुत सारे जो मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल, मुझसे बहुत ज़्यादा परिपक्व लोग जो मेरे शहर में, रायपुर में या नागपुर में या भोपाल में रह गए और उन्होंने उस वक्त के धक्के से वो शायद बाहर नहीं निकले, मैं निकल गया तो मुझे शायद इस बात का फ़ायदा हुआ उन दिनों में. और उस वक्त भी और अभी भी मुझे लगता है कि, जो कि मैं आपसे पहले भी कह रहा था, मैं अपने सेशन में भी कह रहा था कि क्या हम एक ढंग का वाक्य लिख सकते हैं और वो एक मेरे लिए सबसे ज़्यादा कसौटी
सिर्फ इस बात की है कि क्या मैं एक ढंग का वाक्य आज या अभी कह पा रहा हूँ, क्या मैं ढंग का वाक्य लिख पा रहा हूँ, क्योंकि वही इकाई है जिसके जरिए हम एक कदम रख के जो है अपना करियर, अपनी यात्रा को बना सकते हैं। यू हैव गॉट 3 लैंग्वेजेस इन योर पॉकेट, आप इंग्लिश भी जानते हैं, आप हिंदी भी जानते हैं, आप गुजराती भी जानते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 3 लैंग्वेजेस आपने मराठी भी सीखी हुई है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू आर ऑल्सो लर्निंग म्यूजिक आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हाउ डिड यू मैनेज, यू नो, बिकॉज बींग अ मीडिया पर्सन आपका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट होता है, इन दैट टाइट स्केड्यूल टू टेक यू नो सम टाइम फॉर लर्निंग दीज लैंग्वेजेस, बिकॉज वी एज अ मीडिया स्टूडेंट हमारे पास इतना भी वक्त नहीं होता कि हम पढ़ाई कर पाएँ, बट यू एज अ मीडिया पर्सन यू नो took some time and learned these languages, so how do you manage your time, you know, in your daily routine, how do you manage these things? मैं 28 साल की उम्र से संपादक हूँ, मैं 45 साल का हूँ, तो मैं आधे से ज़्यादा मेरा करियर बतौर लीडर रहा है, और बतौर लीडर इसलिए तो समय सबके जीवन में 24 घंटे ही है, समय ही सबसे बड़ी करेंसी है हमारे जीवन की, और उस समय में सारे काम नहीं हो सकते हैं, और एक आप अगर आपके पास एक यथार्थवादी आपके पास एक पैमाना हो कि हाँ इतना कुछ हो जाना चाहिए तो ये इसको सफल माना जाएगा, और दूसरी बात ये होती है कि आपके पास बहुत सारे और लोग होते हैं, क्योंकि ये यात्रा कोई भी यात्रा अकेले यात्रा नहीं होती है, आप एक समुदाय में, एक टीम में बहुत सारे लोगों के साथ मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, और इसकी एक अच्छी मेरे ख्याल से जो मैं जिस तरह से देखता हूँ इस बात को, वो ये है कि मछली पकड़ने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो सुबह सुबह निकलते हैं, हम भरी जवानी में शायद ऐसे ही होते हैं, सुबह सुबह निकलते हैं, फिर जाके जाल फेंकते हैं, फिर बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ते हैं, और शाम को उनको बेचते हैं, खाना खाते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, और एक दिन ख़त्म होता है हमारे जीवन का। कुछ लोग अलग होते हैं, कुछ लोग वो जाल नहीं फेंकते, वो कांटे लेके थोड़ा सा ज़्यादा गहरे पानी में जाते हैं, उन उस पानी में जाते हैं जहाँ हर कोई नहीं जा रहा होता है, और वहाँ पे वो कांटे टांग देते हैं और मछली अपने आप आके वहाँ फंसती है, और वो इस बीच किताब विताब भी पढ़ लेते हैं।